25 मीटर हो गए क्या आज की स्थिति सुधर पाए। 5 साल बीजेपी का शासन हो गया क्या हमारा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बीएड को छोड़ के कोई और मेरा कोर्स से सरकार ला पाए। 5 साल हो गए इस बीजेपी के शासन को। ये कहते हैं गांव तक का 24 घंटे बिजली पहुंचा। साथियों 5 साल के अंदर प्रदेश के हालात को बीजेपी ने क्या से क्या बनाने का काम किया। अपराध के मामले में 4वें नंबर पर हिंदुस्तान बनाने का काम किया। हर रोज 1 मरीज 3 रेप 4 जगह की घटनाएं होती। अपराधी गतिविधियां इतनी बढ़ा दी कि ना तो व्यापारी मंडी की दुकानों में सुरक्षित, ना किसान खेत में सुरक्षित है, ना गृहणी घर पर सुरक्षित है और तो थाने में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। और एक तरह का अपराध भी है जो नशा कितना बढ़ चुका। साथियों एक अपराध और है जिसकी मैंने अभी बात करी। मेरे को 38 वनमंडी के अंदर कई बार आने का मौका मिला और जब तक इस मंडी में सुबह सुबह आया एक बार तो याद है डॉक्टर साहब के नाश्ता करके गया था घर में ब्याह था। प्रधान जी की दुकान पर गया मंडी में आदमी नहीं थे, कम से कम 100 रुपये ऊपर वाला पशु घूम रहे थे और पशु से मंडी वाले तो तंग है ही है। आज किसान भी परेशान है, खेत में पानी लगाने कम जाता है, इंसुलिन फंडों से छुटकारा पाने ज्यादा जाना पड़ता है। मैं तो आज एक वादा कर सकता हूं कि राज बना दो, दुलाड़ा की सीट दिला दो, इन गुंडे तत्वों से और खागड़ों से प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम करें। साथियों मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप समझने की जरूरत है जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए सरकार कहती है भर्ती ना खर्ची, पर साथियों ना पर्ची ना खर्ची ही है, पूरी भर्ती पूरी खर्ची और पूरी मर्जी के साथ अपने लोगों को लगा रहे हैं। और यह रिपोर्ट आई है निगम गुड़गांव की 120 पन्नों की। गुड़गांव निगम में जितने कितने कर्मचारी लगे वो तमाम कर्मचारी किसी एमएलए की मंत्री की सांसद की अधिकारी की सिफारिश करें। ये कहते हैं पैसा नहीं लिया। 2.5 लाख में नायब तहसीलदार का पेपर लीक हुआ। 1 करोड़ रुपए के अंदर अखाड़ा में तीसरी का पेपर बिकता हुआ पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा उसकी इंक्वायरी चलाई जा रही है। साथियों क्या ईमानदारी है कि ग्रुप डी की भर्तियों के अंदर हमारे बालकों और जिनने MA MBA MBA MCA PhD कर दी है चपरासी भर्ती कर दी है। ये कहते हैं ईमानदारी। एक माँ बाप अपने बच्चे पर लाखों रुपए खर्चते हैं अफसर लगे और खट्टर साहब अफसर नहीं लगाते। मारे बीते करे हुए बच्चों को तो चपरासी और मोदी जी और शाह के गुजरात वाले बालकों को SBI इलेक्ट्रिकल लगाने का काम करते हैं। साथियों आज खुद घर देखो बीजेपी कहती है अपनी नौकरी है देखो कुछ ले कुछ नहीं आंकड़े नहीं। ये तो ग्रुप डी की 1700 नौकरियों 17000 नौकरियों में भी आंकड़े नहीं बता सकते क्योंकि आज के दिन 1500 के लगभग स्पोर्ट्स कोटे के बच्चे ग्रुप डी में ऐसे भी जब तक ज्वाइनिंग नहीं करवाई सरकार। साथियों गुड़गांव उठाओ प्राइवेट नौकरियां 17 लाख, हरियाणा की हिस्सेदारी उन प्राइवेट नौकरियों में केवल मात्र 3.5 लाख। हमारे अधिकार हमारी जमीन हमारा पानी हमारा बिजली मैं नौकरियां ले रही हो ताकि इसलिए हमने निर्णय लिया कि हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी के राज बढ़ने पर जैसे चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन कानून लागू किया था पहला कानून अगर कोई पारित होगा तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए प्रत्येक रोजगार सरकारी हो प्राइवेट हो 75% हिस्सेदारी हमने खोला काम किया। और 75% हिस्सेदारी का मतलब है SBI इलेक्ट्रिकल में जनरल की जो 80 सीटें थी उसमें फिर 2 हरियाणा के नहीं लगेंगे, कम से कम 60 बच्चे हरियाणा के होंगे। साथियों विचार मॉडल से बच के रहो। ये किसान की आय दुगनी करने की बात करते
याद होगा पीछे भी अमित शाह आके क्या था जींद के अंदर आय टुकड़ी कर देंगे। साथियों आय टुकड़ी किसान की नहीं हुई, हम तो मंडी में खड़े हैं, एक मंडी के आदमी से पूछने का काम करो कि जीरी का अब तक सरकारी प्रदेश क्यों नहीं शुरू किया, पूछने का काम करो कि बाजरा अब तक पूरा क्यों नहीं उठा, पूछने का काम करो कि ग्वार नरमे की सरकारी खरीद क्यों नहीं शुरू हुई। साथियों इन्हें आए टुकड़े करने का प्रबंध नहीं बनाया, इन्हें तो अपनी जेब भरने का बनाया। और आज तो मैं तथ्यों में बोलूंगा, आपके पड़ोस के नारमंच के विधायक जो वित्त मंत्री थे इसकी आय ढाई गुना हुई, कुचाणा के विधायक की आय ढाई गुना हुई, और तो और जो कृषि मंत्री कुत्ता उतार के स्टेज पर नाचा करता था कि किसान की आय दुगनी कर देंगे, उस कृषि मंत्री से पूछना चाहूंगा कि किसान की आय तो 500 रुपए की बढ़ी, आपकी आय में 5 गुना इजाफा कैसे हुआ। साथियों 5 गुना आय बढ़ी और फिर कहते हैं हम किसान का भला करने का काम करें। साथियों मैं तो एक चीज जरूर आपको बताता और बहुत जरूरी है समझने की, कि इस प्रदेश को जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांटा, हरियाणा प्रदेश के आपसी भाईचारे को तोड़ने के लिए हमारे बीच में 80 लोगों की जान गई, 4 बार राजगिरी हुई, जात पात का जहर फैलाया जाता है, मगर इससे लड़ाई कौन लड़ सकता है, इससे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की मनी पावर पैसे की ताकत के आगे आप नहीं लड़ सकते, इससे लड़ाई बीजेपी की मीडिया पावर के आगे नहीं लड़ सकते। अगर इस चीज से कोई लड़ाई लड़ सकता है तो केवल मात्र आपकी पार्टी की मैन पावर कार्यकर्ताओं की शक्ति लड़ सकती है। और मैंने तमाम कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आज मैं जीत आपके बीच में उम्मीदवार के तौर पर आया, मगर साथियों मंदिर मत सोचियो, ये मान के चलो दुष्यंत इस विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहा है कि वो दुष्यंत को देने का काम कर। साथियों मेरी तो विनती प्रार्थना आपसे, ये लड़ाई कोई छोटी नहीं है, ये बीजेपी वाले दिन प्रतिदिन घबराहट में तो आते जा रहे। उचाणा की उम्मीदवार प्रेमलता जी कहती है कोई आंख दिखाएगा उसकी आंखें निकाल लेना, ये मीनू और बता देंगे वो दादा हमारे भारद्वाज जी बरवाड़ा वाला मुकुट बनाने लगा मुख्यमंत्री को, तो फरसा आपने लिया हुआ था दादे की गर्दन पर लगा के कहता मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। साथियों हरीश जैन जैन का प्रभारी है, उचाणा आया, बोखलाहट देखो किस उताई की बात की, कहते दुष्यंत तो बांदर है आग लगाता घूम रहा है। साथियों बांदर तो हनुमान जी का रूप था, अगर मेरे को बंदर बोल रहे हैं तो इसका मतलब तो इस पंडाल में इतनी बड़ी वानर सेना बैठी है जो बीजेपी की लंका में आग लगाने का काम करे। मगर साथियों एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर लंका को ढेर करना है तो पहले राम सेतु बनाना पड़ेगा, और राम सेतु बनाने के लिए अगर कोई पहला कदम उठाया जाएगा तो फिर जुलाना की जनता द्वारा अपना एक एक वोट चांदी का बटन दबाकर अमरजीत के पक्ष में डालकर जुलाना की विधानसभा से वो पहला पत्थर उस समुद्र में डालना पड़ेगा। साथियों में तो आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जहां 75% रोजगार की एक बात, वही आपके पार्टी के निर्माण पे और 23 सितंबर को होने वाली सम्मान दिवस रैली पर एक वादा किया गया बुजुर्गों के सम्मान के लिए, हमारे ताऊ चाची बैठी है, मैं तो इनको बोलना चाहूंगा, एक सरकारी कर्मचारी जब 58 साल की उम्र में रिटायर हो सकता है तो फिर आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, आपका राज बनने पर बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों को 58 साल, हमारी चाची ताइयों को 55 साल, घर बैठे 5100-5100 रुपये आपके पास देने का काम करें।
और 5100 रुपए का मतलब है कि अगर बूढ़ा बूढ़ी दो घर में है तो 10200 रुपए महीने के घर में आएंगे, बादशाह खर्चेगा नहीं करेगा। साथियों, मेरी विनती प्रार्थना आपसे है,